गांजा एक ऐसी चीज़ थी जो आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी जैसे कि एलोपैथी में एथेनॉल बेस होता है उसी तरह आयुर्वेदा में गांजे को यानी कैनबिस को एक बेस बनाया गया था सन 1895, नाइन्टी फाइव एजन अट्ठारह से एक ब्रिटिश हेम कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी 3000 प्लस पेजेस की ये वो शुरुआत थी जब हमारे गांजा आयुर्वेदा और यहाँ तक कि कल्चर पे ठप्पा लगा दे ताकि बंद कर दे उसे वहां से उन्होंने वो रिपोर्ट चालू की नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हेल्थ द हेम्प कमीशन रिपोर्ट आई वांट यू गाइस टू नो दिस इज़ द सेम ईयर एंड यू कैन गूगल इट वेन यू गाइज हैव टाइम वेन ब्रिटिशर्स लॉन्च देयर एलोपैथी मेडिसिन अंग्रेजी दवा और एल्कोहल अब गांजे को तो गरीब इंसान का नशा बोला जाता है तो आपकी दवाएं कैसे खरीदेंगे इतनी महंगी महंगी आपके दारू कैसी ख़रीदी जाएगी तो चलो एक ऐसी मुहिम छेड़ते हैं जिससे एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो हमारे शिव पुराण में बोला गया है शिव जी का प्रसाद है और मैं आज ये चीज़ कहना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद एक आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स बट एक ब्राह्मण हूँ जहाँ हमारे वहाँ पे हमारे जो पिताजी हैं जो दादाजी हैं वो सब पुजारी हुआ करते थे मतलब दादाजी और उनके पूर्वज हमें पता है कि जब शिवरात्रि हो आपको भांग का पत्ता चढ़ाना बहुत ज़रूरी है पूरे साल आप उसी इंसान को और उसी प्लांट को गालियां देते रहें लेकिन शिवरात्रि वाले दिन जाके उनके ऊपर शिवलिंग पे चढ़ाए बिना पूजा आपकी कंप्लीट नहीं होगी इसकी शुरुआत हुई थी अथर्वेदा में आई एम गोड रीड आउट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश बिकॉज कई हैं यहाँ पे सब तो संस्कृत नहीं जानते हैं इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा है अथर्वेदा में We tell of the five kingdoms of the herb headed by soma, may it and kusa grass and bhang and barley and the herb saha release us from anxiety. It is a very long paragraph. यहाँ पे पैतालीस नाम दिए गए हैं गांजा या भांग को इंद्र सना से लेके विजया से लेके अजय से लेके ऐसे पैतालीस नाम जो उसकी क्वालिटीज और वैल्यूज के बारे में बात करते हैं